कुछ लोग कुछ बातें हमेशा से ही दुनिया से अनदेखे रहे हैं, या फिर दुनिया इनके अस्तित्व को ही अनदेखा करती है। ऐसे ही एक इंसान के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश में पावरफुल लोग किस हद तक जाते हैं, इसी सत्य घटना पर आधारित एक वेब सीरीज हमें देखने को मिलेगी। इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं सोनी लिव पर रिलीज हुई अनदेखी ये वेब सीरीज की। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। ये कहानी शुरू होती है सुंदरबन के घने जंगल से, जहां एक पुलिस वाले की लाश मिलती है। अब उसी पुलिस वाले के कातिल को ढूंढने की तलाश में डीएसपी घोष गांव से गायब हुए दो लड़कियों की खोज शुरू करता है। अब ये दो लड़कियां मनाली शहर में अमीर लोगों की शादी में नाच गाने का काम करती है। पंजाबी शादी में नशे में धुत लोग गोलियों की आतिशबाजी से नाच गाने करते रहते हैं। ऐसे ही नाच गाने में दूल्हे का बाप एक डांसर लड़की को अपने गन से शॉट करता है। सुंदरबन के जंगल से एक आदिवासी समाज से बिलोंग करने वाली लड़की, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता, उसके मर्डर को सिर्फ एक छोटी सी गलती मानकर अनदेखा किया जाता है। अमीर लोग अपने झूठे मान सम्मान और शोहरत के लिए अपने पैसों की पावर और गुंडागर्दी से लड़की के मर्डर को बहुत ही स्मार्टली रफा दफा करते हैं। लेकिन शादी में आया हुआ एक मामूली वीडियोग्राफर अपने कैमरा से ये सब शूट करता है और उन दो लड़कियों को इंसाफ देने के लिए लड़ने लगता है। अब मुझे इस सीरीज की ये बात अच्छी लगी कि इसकी स्टोरी कमाल की है, उसका एग्जीक्यूशन एक्टर्स ने बहुत ही अच्छी तरीके से किया है। सीरीज में हमें रिंकू नाम के गुंडे से पहचान होती है, जो कि सारे एविडेंस को मिटा के अपने फैमिली को या अपने मुंह बोले पिता को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जाता है। ये कैरेक्टर सूर्या शर्मा ने इतनी सही तरीके से किया है कि सीरीज देखते समय हमें हमारे मन में भी उसके लिए एक डर और खौफ बैठ जाता है। इसमें डीएसपी का रोल दिबेंद्र भट्टाचार्य ने सच्चाई को सामने लाने वाला स्मार्ट और सीनियर ऑफिसर उतना ही पावरफुल तरीके से दिखाया है। सिस्टम के लोगों की फितरत, गुंडों की ताकत, अमीर लोगों की पहुंच, इन सबसे वाकिफ ये ऑफिसर कैसे इन्वेस्टिगेशन में सारे लोगों की धज्जियां उड़ाता है और सबके मन में डर पैदा करता है, ये देखने में बहुत मजा आता है। इसमें पापा जी, तेजी, दमन, सलोनी, इन सबके रोल विशेष ध्यान में रहते हैं। लेकिन ऋषि और कोयल, इनका इम्पोर्टेंट रोल होते हुए भी इन दोनों का परफॉर्मेंस बाकी के लोगों के सामने थोड़ा कम ध्यान में आता है। अब बात करते हैं सीरीज के कुछ अंडरवेलमिंग एस्पेक्ट की। सीरीज की स्टोरी अच्छी है, लेकिन ये जो कैरेक्टर का एक दूसरे के साथ कनेक्शन है, जो केमिस्ट्री है, वो कहीं पे थोड़ी कम लगती है। कुछ चीजें बहुत ही सीधे तरीके से दिखाया है, जो कि असली लाइफ में होता ही नहीं है। शादी के एक ही घर में इतने बड़े बड़े सियापे होते हैं, लेकिन दुल्हन और उनके फैमिली को कानो कान खबर ही नहीं होती। सारे घर वाले और गेस्ट होते हुए भी पापा जी को हमेशा दमन, जो कि दूल्हा है, उसे ही संभालना होता है। जंगल में पुलिस फोर्स और आर्मी पीछे होते हुए भी कैसे ऋषि और कोयल उनसे बचकर निकलते हैं। अपने ऐसे छोटे छोटे लूज एंड को छोड़ के कहानी हमें थोड़ी डिसअपॉइंट करती है। 10 एपिसोड वाली ये सीरीज के हर एक एपिसोड आधे घंटे जितने लंबे हैं, मतलब लगभग 5 घंटे में ये सीरीज आप पूरी देख सकते हैं। यकीन मानिए तो पूरे 5 घंटे आपको बिल्कुल और कहीं पे भी बोर नहीं होगा। इस सीरीज की हम ऑनेस्ट रेटिंग देने वाले हैं। स्टोरी के लिए 3.5 स्टार, एग्जीक्यूशन के लिए 3 स्टार, कास्टिंग एंड परफॉर्मेंसेस के लिए 4 स्टार, सिनेमाटोग्राफी और सेट डिज़ाइन के लिए 4 स्टार। देखा जाए तो ओवरऑल ये कहानी, पंजाबी शादी के सियापे, मनाली की लोकेशन और कैरेक्टर्स अपने परफॉर्मेंस से हमें बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। थ्रिलिंग ड्रामा और एंटरटेनिंग का एक अच्छा एक्सपीरियंस भी देंगे। एंड में ये स्टोरी सेटिस्फाइंग नहीं लगती, शायद इसका अगला सीजन भी आने वाला है। इसमें बहुत सारी गालियाँ हैं, तो आप इसे अपने फैमिली के साथ देखने की बिल्कुल भूल ना करें। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।